ये वीडियो एक सच्ची घटना से जुड़ी है। ये वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो सच है। जिनका दिल कमज़ोर है वो भी देखें, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और बाकी जाके सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्ते और प्रणाम। होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। सो पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और बहुत अच्छे कमेंट भी करे हैं, और दो मेरे को चैलेंज भी मिल चुके हैं उसमें। पहला है, एक तो पंखे से लटकाने के लिए बोल रखा है यार, पंखे से। दूसरा है, मेरे को जॉर्ज एवरेस्ट की पीक में जाके कोई चैलेंज करना है। सो आज इस वीडियो में कोई मैं वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं करूँगा, थोड़ा हॉन्टेड बातें हो जाए, तो मैं ऐसी कुछ बात बताऊंगा जो मैंने फेस करी है और शायद आपने भी करी होंगी। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से नाइटमेयर। तो आज की जो मेरी ये कहानी है वो एक्चुअल में कहानी नहीं है, मैंने रियल में फेस करी है ये प्रॉब्लम। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है स्लीप पैरालिसिस या फिर दबाव पड़ना। ये स्टोरी मुझे किसी ने भेजी नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताऊंगा। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो और आपकी एकदम से नींद खुलती है रात को और आप हिल डुल नहीं पाते, ना बोल पाते, एक तरह से आप पैरालाइज हो जाते हो। तो जैसे कि मैं पहाड़ से हूँ, मैं गढ़वाल से हूँ, तो मेरे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि या फिर किसी की छाया लग गई है या कुछ हो गया है वगैरह वगैरह। वैसे भी ये चैत का महीना चल रहा है तो किसी की हवा लग जाती है, कोई नज़र लगा देता है, तो होता है कोई झाड़ू फूंक कर देता है। तो बहुतों के घर में ऐसा कुछ मानते भी होंगे, मेरे घर में भी मानते हैं। कुछ क्या करते हैं कि अपने बेड के नीचे चाकू रख देते हैं, बिस्तर के नीचे चाकू रख देते हैं ताकि कुछ ऐसा दोबारा ना हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जब मैं सो रहा था उस टाइम करीब 4 या 5 बज रहे थे और मैं ऐसे करके सो रहा था। अब मेरे साथ क्या हुआ, जब मेरी एकदम से नींद खुली तो मतलब मैं हिल डुल नहीं पा रहा था, और मतलब मैं ना बोल पा रहा था ना हिल पा रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरे बेड के वहाँ से घिसते घिसते आ रहा है, और मेरे को साफ आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी आंखें खुली है पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, ना हिल पा रहा हूँ, और मेरे को आवाज़ आ रही है कि मेरे सामने से, मतलब मेरे बेड के वहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मतलब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा, मैं कर नहीं पा रहा था, और अब हालत ऐसी थी कि क्या बोलूँ। बट आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर से थोड़े ही नीचे खेड़ा है, खेड़ा मंदिर है, और 4-5 बजे कभी खेड़ा मंदिर खुलता नहीं और कभी वहाँ पे गाना बजता नहीं, मतलब भगवान के भजन नहीं बजते हैं। बट लिटरली वहाँ पे उस टाइम बस 1 मिनट के लिए वो भजन बजा, कौन सा माँ शेरा वाली का भजन बजा, आप मानोगे नहीं। उसके बाद सीधा मतलब मैं मतलब फ्री हो गया, वो आवाज़ भी चली गई, और मतलब ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक हो गया था उस टाइम। ऐसे किस्से बहुतों के साथ भी हुए होंगे कि कोई हमारे पास आ रहा है, कोई मतलब बड़बड़ा रहा है, कोई धीरे धीरे बड़बड़ा रहा है, कोई हमें हमारा गला दबा रहा है, कोई हमारी छाती में बैठ रहा है, ऐसे बहुत किस्से होते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न है कि मैंने इसके बारे में जब गूगल करा, रिसर्च करा, तो मुझे पता चला कि जो हमारा ब्रेन होता है एक्चुअली में, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, ताकि हम भटके ना, ताकि हम ज़्यादा मूवमेंट ना करें सोते टाइम रियल लाइफ में, तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है ताकि हम कोई फालतू मूवमेंट ना कर पाएँ। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो हमारा ब्रेन के साथ होता है, और हम मतलब जो हमारे साथ ड्रीम हो रहा होता है वो हम रियल में इमेजिन करने लग जाते हैं कि हमारे साथ होता है। तो जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम क्या करो कि अपने आप को फोर्स दो कि हाँ उठ 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 उठ, मतलब बिलीव ही ना करो कि ऐसा हो रहा है, मतलब अपने आप को फोर्स करो जल्दी से उठ, ताकि उठ जाए। अगर पैरालाइज है तो उठने की कोशिश करो, पूरे जान लगा दो अपनी। मैंने भी ऐसे ही करा था। तो मैंने ऐसे जब मैंने अपने सारे दोस्तों को बताया, उनमें उन्होंने भी बताया कि मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।